हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज के ब्लॉग में भी एक नया रिक्वायरमेंट आया है। ये रिक्वायरमेंट आया कि जिस किसी को इंडियन लाइसेंस है टू व्हीलर का, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। बहुत सारे लोग मेरे को मैसेज करते हैं, कमेंट करते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, भाई हम लोग बाइक डिलीवरी राइडर के लिए जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन जिस किसी के पास गल्फ का लाइसेंस है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे के उसको ले रहे हैं इंटरव्यू पे। ऐसा कोई है तो बताओ रिक्वायरमेंट। जिस किसी के पास भी ओनली इंडियन लाइसेंस है वो लोग ही जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गल्फ का लाइसेंस वाले नहीं है। ऐसा इंटरव्यू है तो बताइए, हम इजी से सेलेक्ट हो जाते हैं, इजी से हमको लेते हैं करके बहुत लोग कमेंट करते रहते हैं। उनके लिए स्पेशली आज इस ब्लॉग बनाने का मकसद है। आज का रिक्वायरमेंट निकल है जिस किसी पास इंडियन लाइसेंस है, ओनली इंडियन लाइसेंस है टू व्हीलर का, उनको ही हायर करें। जो कोई फ्रेशर्स बंदे हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जॉब के। जिस किसी के पास 2 साल पुराना है इंडियन लाइसेंस है टू व्हीलर का, वही इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो कोई भी गल्फ रिटर्न है, गल्फ का लाइसेंस है, वो लोग एलिजिबिलिटी नहीं है। जिस किसी को इंडियन लाइसेंस है, फ्रेशर्स कैंडिडेट्स है, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी कह सकता हूँ कि जो कोई बाइक डिलीवरी राइडर पर जॉब जाना चाहते हैं, आपके पास ओनली गल्फ का लाइसेंस नहीं है, सिर्फ इंडिया का लाइसेंस है, वही लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली कंपनी ने बताया कि इंडियन लाइसेंस को एक बार हायर कर रहे हैं, अच्छा अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस इट। जो कोई भी हायर से बाइक डिलीवरी राइडर जाना चाहते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। आज इस ब्लॉग में बताएगा टोटल से कैसा अप्लाई कर सकते हैं, क्या है और इसकी सैलरी क्या है, एज कैटेगरी क्या चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए, एजुकेशन क्या चाहिए, सब कुछ बताएगा आगे चल के आज इस ब्लॉग में। ब्लॉग एंड तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये पर्टिकुलर जॉब कैसा अप्लाई करना है, क्या है। बल्कि ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से स्मॉल रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। आप बेल आइकन प्रेस करके ऑल करके प्रेस कीजिए, जो मेरे चैनल से नया वीडियो देगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा। अभी भी फ्यूचर में आगे चल के भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको मेरे जो भी चैनल से वीडियो आ जाएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, आपको अपडेट भी होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जफरू ब्लॉग्स। ओके दोस्तों, चलो बोलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का रिक्वायरमेंट कोविड कंट्री के लिए वैकेंसी निकल गया है, बाइक डिलीवरी राइडर के लिए रेस्टोरेंट में और कुरियर सर्विसेज में निकल गया है बाइक डिलीवरी राइडर के लिए। जिसके बाद इंडियन लाइसेंस है बस है, वही अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। एज कैटेगरी आके 23 ईयर से लेते हुए 35 ईयर तक, इस दरमियान में आपकी एज रहना चाहिए, 2 साल पुराना रहना चाहिए इंडियन लाइसेंस आपका मोटरसाइकिल का, तभी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि आपकी इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश आपको गुड इंग्लिश है तो बस है, पढ़ना लिखना बोलना, क्योंकि तो आप नेविगेशन यूज़ करते हैं, मैप यूज़ करते हैं और जो भी ऐप दिया जाएगा ऐप यूज़ करते हैं, इसलिए आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश नॉलेज होना बहुत ज़रूरत है। जैसे पढ़ना लिखना आपको थोड़ी बहुत गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है तो अप्लाई कर सकते हैं आराम से इस जॉब के लिए। आपके पास एक्सपीरियंस है कोई भी कुरियर कंपनी में इंडिया का, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। नहीं आपके पास फ्रेशर्स कैंडिडेट है, नॉट एट ऑल इशू, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। हैज़ ए बाइक डिलीवरी राइडर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसकी सैलरी बात करें तो 125 KD, मतलब इंडियन करेंसी पकड़ के चलो आपको 30,000 तक हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली। और आपको टिप्स दिया जाएगा, टिप्स आते हैं डेली की डेली एंड कमीशन मिलेगा, OT है, सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है। आपको कंपनी क्या क्या एडिशनल से बेनिफिट दे रही है बताएं तो आपको बाइक का लाइसेंस बना के देगी कोविड कंट्री का, और बाइक देगी, फ्यूल देगी, सिम देगी, डेटा देगी, और आपको मोबाइल फ़ोन नहीं तो मोबाइल फ़ोन भी आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, इंश्योरेंस देगी, मेडिकल देगी, रूम देगी, फूड आपका 20 KD आपको फूड अलाउमेंट देगी। तो आप खाना बाहर भी खा सकते हो, बका के सकते हो, डिपेंड्स आपके ऊपर है। आपको 10 आवर्स ड्यूटी करना पड़ेगा, आप चाहे तो डेली 2 आवर्स ओटी लगा लें तो आपकी सैलरी अच्छी खासी निकल कर जाएगी। 1 वीक में आपको 6 दिन काम करना पड़ेगा, 1 दिन छुट्टी है, चाहे तो छुट्टी ले सकते हैं तो काम कर सकते हैं। आप काम करने के लिए जा रहे हैं, मेरा कहना है कि आप 1 मंथ में आपको 4 छुट्टी मिलती है, आप 2 छुट्टी लीजिए, 2 छुट्टी आप काम कीजिए, वो टाइम आपको डबल निकल के आ जाएगा, तो अच्छी खासी सैलरी निकल के आ जाएगी। टिप्स भी अच्छे मिलते हैं इसमें, खा पी के आप आराम से 50,000 ईजिली सेव कर सकते हैं पर मंथ इंडियन करेंसी। जो कोई भी इंटरेस्टेड है ये जो अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था, अपडेट CV, वाइट बैकग्राउंड फोटोग्राफ, पासपोर्ट कापी, प्रिंट इन बैक, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ओल्ड ECNR पासपोर्ट होल्डर से जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस किसी के पास भी 10th क्लास रख के पासपोर्ट बना के वही लोग जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 10th है, इंटरमीडिएट है, डिग्री होल्डर्स है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। आपके ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट एंड शुड मैंडेटरी है, कंपनी ने बताया। आपका जो भी इंडियन लाइसेंस है टू व्हीलर का वो बराबर से स्कैन कीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट बताए एक एक चीज़ आप स्कैन करके नीचे डिस्क्रिप्शन में मेल आई डी डाल के उसको फॉरवर्ड कीजिए। कंसल्टेंसी का मोबाइल नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करके जाके चेकआउट कर सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जो भी डाउट है, जो भी आपको क्वेश्चन है इस जॉब के बारे में, तो खुल के आप बातचीत कर ले सकते हैं कंसल्टेंसी वाले से,
फिल विथ थ्री ऑफ विथ कंसल्टेंसी वाले बहुत अच्छे कंसल्टेंसी, आपको जो भी डाउट है जो भी क्वेश्चन है वो आपको खुल के बताएंगे। इसका सर्विस चार्ज क्या है नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उनको कॉन्टैक्ट करके सर्विस चार्ज पूछ सकते हैं या आके रिजनेबल सर्विस चार्ज करके बताएं। आपकी सर्विस चार्ज भी थोड़ी अच्छी खासी कम रहेगी तो आप आराम से अप्लाई कर लेकर जा सकते हैं। और जो भी एजेंट होगा जो भी कंसल्टेंसी का सिंगल रुपये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन दीजिए बिफोर इंटरव्यू। लास्ट टाइम मेरा एक सब्सक्राइबर गया था इंटरव्यू देने के लिए, एक थर्ड पार्टी आके उसके पास पैसे के लिए ऐसा ऐसा डिमांड किया था करके बताया था मेरे को, मैं बोला स्ट्रिक्टली वार्निंग दिया है कि किसी भी एजेंट को किसी भी कंसल्टेंसी को सिंगल रुपये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट बन दीजिए। कभी भी इंटरव्यू जाने के टाइम पर इंटरव्यू वाले कंसल्टेंसी वाले आपको कोई भी रुपया भी आपके पास पैसा नहीं लेके सिर्फ आपका इंटरव्यू ले गए। इंटरव्यू सेलेक्ट होने के बाद फर्दर प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्दर प्रोसेस क्या होता है बता देता हूँ। फर्दर प्रोसेस में आपका जो इंटरव्यू होने के बाद आपको ऑफर लेटर देते हैं, ऑफर लेटर को साइन करके देने के बाद आप श्योरिटी के सर का पासपोर्ट रख लेते हैं। पासपोर्ट रखने के बाद आपको प्री मेडिकल कराना पड़ेगा, प्री मेडिकल फिट होगा तो आपको वीज़ा आएगा, वीज़े के बाद आपको गम का मेडिकल कराना पड़ेगा, उसके बाद आपको PCC कराना पड़ेगा, उसके बाद पासपोर्ट स्टैंपिंग होकर आ जाएगा, उसके बाद आपको टिकट दिया जाएगा, टिकट पकड़ के सीधा चलते बनो कोई। ये प्रोसेस है टोटल। ये एजेंसी ने कहा कि कोई भी थर्ड पार्टी नहीं, इनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकता है जो अप्लाई। और फिर कहता हूँ कि किसी भी एजेंट को किसी भी कंसल्टेंट सिंगल रुपये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मत दीजिए। कभी भी जेन्युइन तरीके से जाने की कोशिश की, कभी भी बैकडोर से जॉब हासिल करने की कोशिश की तो टाइम और मनी दोनों ही बर्बाद होते। कभी भी जेन्युइन वे से जाने की कोशिश की, आपको पता नहीं चल रहा कि इंटरव्यू किधर चलता है, टाइम प्लेस मैंने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो टेंशन रखो लीजिए, आपको भाई बैठे आपकी मदद करने के लिए। मेरे यूट्यूब चैनल पर जेन्युइन से क्लियर इंटरव्यू चलता है, रो ऑफ सर्विस चार्ज में तो बना के डालता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। टाइम प्लेस मेन्यू और पोजीशन कैसा प्ले करना क्या है, इसका इंटरव्यू पैटर्न क्या है, सब कुछ मैंने बता के यूट्यूब में डालता रहता हूँ। मेरे यूट्यूब से आप देखने से आपको जेन्यून से क्लियर चलता है, इंटरव्यू टाइम प्लेस मेन्यू सब कुछ पता चल जाता है, वो हिसाब से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं आराम से, आपको जॉब भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। और कभी भी होप लूज़ मत कीजिए, आप कभी ट्राई करते रहिए इंशाल्लाह। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप इंटरव्यू जाएंगे तो कभी ना कभी किधर ना किधर आपको आराम से जॉब लग जाएगा। बहुत लोग फियर रहता है कि इंटरव्यू देने से क्या पूछतेगी क्या रहेगी, कहीं को हम ना झंझटे एजेंट को पैसा दे लेके चल जाना बोल के, बहुत लोग का थिंकिंग ये रहता है, लेकिन ये थोड़ी लोग गलत है दोस्तों। क्यों तो आप एजेंट को भरोसे पे जाएंगे तो आप पैसा ले लेंगे, कोई भी वीज़ा कर दे आप जाएंगे उधर जाके पछताना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इंटरव्यू टाइम में थोड़ा स्ट्रगल करेंगे, आपको जर्नी करना पड़ता है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है, ये रहता आपका इंटरव्यू से पहले। आप वंस इंटरव्यू होने के बाद आपको पूरा कंसल्टेंसी वाले टेक केयर कर लेते, आपको टेंशन नहीं रहता, फ्री हो जाते। अगर एजेंट के थ्रू जाएंगे तो आप टेंशन नहीं रहता स्टार्टिंग में, लेकिन जाने के बाद बहुत टेंशन उठाना पड़ता। अब इंटरव्यू देके जाएंगे तो इंटरव्यू तक आपको टेंशन रहता है, उसके बाद आपको पूरा कंसल्टेंसी वाले संभाल लेके आपको लेके जाने के बाद जो भी ऑफर लेटर मेंशन करता है सब कुछ आपको कंपनी प्रोवाइड करके देती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं कभी भी जेन्युइन तरीके के जाने वालों को मोटिवेट करता हूँ, प्रमोट करता हूँ, कभी भी जेन्युइन वे से जाने वालों को मैं पुश करता हूँ कि मेरा ब्लॉग देख के जेन्युइन से इंटरव्यू दीजिए, जेन्युइन से जाने की कोशिश कीजिए। मैं इधर पर कोई भी एजेंट को कोई भी कंसल्टेंसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ जेन्युइन कंटेंट को प्रमोट कर रहा हूँ, टाइम प्लेस में जाके डालता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं कोई ऑफिस भी नहीं है मेरी कोई कंसल्टेंसी, सब लोग मेरे को क्वेश्चन करते हैं कि भाई आपका कंसल्टेंसी कौन सी, आपकी ऑफिस कौन सी है, बोलते भाई मैं तो कोई भी एजेंट नहीं है मेरी कोई कंसल्टेंसी नहीं है मेरे कोई ऑफिस है, मैं सिर्फ यूट्यूबर है। जो कोई भी मेरे सर का जेन्यून से इंटरव्यू दे के जाना चाहते गल्फ को यूरोप को, उनको मदद करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मैं भी जेन्यून से ही 4-5 कंट्री इंटरव्यू दे के घूमाऊँ, बहुत अच्छी सैलरी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। अभी राइट नाउ दुबई में हूँ, बहुत जल्दी यूरोप भी जाने वाला हूँ, वो व्लॉग भी आपको शूट करके बताएगा। ऐसा नहीं कि मैं जाने के बाद आपको शूट करेगा, ऐसा नहीं, मैं स्टेप बाय स्टेप जो ऐसा अप्लाई करता हूँ, किधर जाता हूँ, कौन सी कंसल्टेंसी है, कैसा जाना चाहिए यूरोप को, सब कुछ मैं ब्लॉग बना के डालता रहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप कंटिन्यू से देखिए तो मेरा टोटल प्रोसेस आपको पता चलेगा कि यूरोप को कैसे जाना है क्या है। मैं बहुत जल्दी यूरोप जाने वाला हूँ इंशाल्लाह, 4-5 मंथ्स में इंडिया जाएगा, उधर से 1-2-3 महीना बैठेगा इंडिया में, उसके बाद आपको यूरोप का प्रोसेस स्टार्ट करेगा। यूरोप का प्रोसेस कैसा स्टार्ट करता हूँ, क्या है, कैसा क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसा अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंसल्टेंसी, सब कुछ बने आपको करते हुए बताता जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आप वो वैसे भी आराम से जा सकते हैं यूरोप को और जेन्यून से जा सकते हो यूरोप को विथ लो ऑफ सर्विस चार्ज में। मेरा कंटेंट यही कि लो ऑफ सर्विस चार्ज में आपको बेहतरीन जॉब मिलना बोल के मेरी एक कोशिश है, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी बहुत कोशिश जारी है।
आपका सपोर्ट के बिना अधूरा हूँ। आप सपोर्ट कीजिए मेरे को और मेरे चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। और मेरा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल के जाके चेकआउट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है रफला भाषा, इंस्टाग्राम पेज है रफला भाषा, आपको दोनों दिख रहे। सिंपल से आप फेसबुक इंस्टाग्राम ओपन कीजिए, सर्च बार में जाइए, मेरा यूजर नेम टाइप कीजिए रफला भाषा बोल के, आपको मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। जैसे क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए और मोर अपडेट्स भी देता रहता हूँ जॉब्स के रिलेटेड। जो कोई भी मेरे से पर्सनल से बातचीत करना चाहता हो तो मैसेज कीजिए फेसबुक पे, इंस्टा पे, आपको मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करेगा। जिस किसी का ऑफर लेटर होगा, वीज़ा का भी आगे आपको समझ में नहीं आया, जेन्यून और फेक बोल के टेंशन रख लीजिए, आपका भाई बैठा आपकी मदद करने के लिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, आपको ऑफर लेटर वीज़ा का भी मेरे को सेंड कीजिए, वो चेक करके बताएगा ठीक जेन्यून और फेक बोल, जेन्यून है तो प्रोसेस आगे बढ़िए, फेक है तो रोक दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग को इतना ही। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। जो आप क्वेश्चन से जो आपके डाउट से बहुत जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेगा। ये ब्लॉग डेफिनेटली शेयर कीजिए दोस्त को, भाई को, रिश्तेदार को, जान पहचान जो कोई भी एज ए बाइक डीलर लेटर देना चाहते हैं। इंडियन लाइसेंस है, 2 साल पुराना, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, इसी अंदर पासपोर्ट है और गुड है उनके लिए। इजी आप 50,000 ईजिली सेव कर सकते हैं पर मंथ। इंटरेस्ट रेट बंद है, अप्लाई कीजिए अभी के अभी। वो जो भी डॉक्यूमेंट बताया बराबर से स्कैन करके मेल कीजिए और कंसल्टेंसी वालों को कॉन्टैक्ट कीजिए, बातचीत करें, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। ठीक है दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। ख्याल रखें अपना भी इस चैनल का।